हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ऑयस्टर मशरूम की सब्जी। तो ऑयस्टर मशरूम जो होता है वो बहुत ही हेल्दी चीज़ है, और इसकी जो सब्जी है वो किस तरीके से बनाई जाती है आज वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ऑयस्टर मशरूम जो होता है वो किस तरीके का दिखता है वो भी आप देख सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं इससे हमें। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का दिखता है, और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ सामने से। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके का है, आप देख सकते हैं इसके अलग अलग स्टेम्स हैं। तो इसको साफ करने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए। तो मैंने ये बिग बास्केट से ऑर्डर किया था। तो आप देखिए इस तरीके से इसका जो रूट वाला साइड होता है हम इसे ऐसे कट कर देते हैं, और इसको इस तरीके से कट करके ही हम साफ करके रखेंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है इसको साफ करने का। ज्यादा हमें इसमें नाइफ यूज करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, और हाथों से ही हम इसको अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको साफ कर रही हूं। तो इस तरीके से मैं इसको साफ करके रख लूंगी, और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे साफ करके रख लिया है। और अब मैं इसे करूंगी बॉईल। तो कढ़ाई में मैंने पानी दिया है, पानी में हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है, और इसे मैं एक बॉईल आने तक स्टीम दूंगी। तो अब देख सकते हैं जैसे ही ये बॉईल हो चुका है तो मैं अब इसका जो पानी है उसे ड्रेन आउट कर दूंगी, और यहां पर मैंने प्लेट में निकाल कर रखा है। तो आप देख सकते हैं बॉईल होने के बाद ये इस तरीके का हो गया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें इसके साथ साथ चाहिए होगा, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, 3 हरी मिर्च ली हैं, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है ग्रेट करके। तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आप तीखा खाते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटे साइज का टमाटर, और आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मटर ऐड किया है इसलिए मैंने इसमें थोड़े से मटर लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में दिया है 2 चम्मच के बराबर मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ही तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। और जैसे ही ये चटकने लगेगा मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1 पिंच के बराबर अजवाइन यानी कैरम सीड्स, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी हरी मिर्च और साथ में प्याज। तो इनको अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूंगी। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है, और जैसे ही प्याज जो है हल्के से फ्राई हो गए तो मैंने ऐड कर दिया है ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, और इन तीनों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो मैं मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कर रही हूँ, और साथ में ही मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर मटर, क्योंकि मटर जो होते हैं इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने मटर यहाँ पर ऐड कर दिया। और मटर भी हैं अभी जो प्याज और हरी मिर्च और अदरक लहसुन के साथ जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे और पक जाएंगे थोड़े से। तो यहाँ पर जैसे मटर उछल के आ रहे हैं फ्राई होने के साथ साथ, इसलिए मैंने कवर कर लिया था थोड़ा सा इसको। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी टमाटो प्यूरी, और इसके साथ कुछ मसाले ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, और ऐड करूंगी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं यहाँ पर इसका जो ग्रेवी है उसे अच्छे से पकाऊंगी।
तो मैंने बहुत ज़्यादा टमाटर इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो ऑयस्टर मशरूम है बहुत ज़्यादा जो उसकी ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होती है उसमें। तो जैसे मसाला आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है, तो मैंने अभी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ऑयस्टर मशरूम्स और इसे थोड़ा चला लेते हैं, मसाला मिक्स कर लेती हूँ इसमें मैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करूंगी मीडियम फ्लेम पर। चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे पक रहा है ये। तो थोड़ा सा मैं इसे अभी और कवर करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं तो ये थोड़ा सा ड्राई हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे कवर करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मटर भी अच्छे से पक चुके हैं और ये रेडी है। तो चलिए देख लीजिए कि हमारा जो ऑयस्टर मशरूम है वो बनकर रेडी है। तो यहाँ पर मटर के साथ मैंने ऑयस्टर मशरूम की रेसिपी बनाई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने घर में इसे ट्राई कीजिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।